इस देश की धरती पर इस संविधान में हमें पहला अधिकार इस देश में राजनीति सम्मान दिया, दूसरा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में सामाजिक सम्मान दिया, तीसरा अधिकार हमें इस देश में धार्मिक सम्मान दिया, चौथा इस देश के संविधान में हमें आर्थिक सम्मान दिया। ये तमाम इस संविधान के तहत इस देश के दलित शोषित समाज के लोगों को, इस देश के ओबीसी समाज के लोगों को, इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों को, इस देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ जीने का अधिकार इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत देने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हे मेरे समाज के गणमान्य व्यक्तियों, हे मेरे बुद्धिजीवियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, यदि आपकी चाहत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को दिशा मिले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की रक्षा करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की हिफाजत करना हम सबकी ड्यूटी बन गई है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस देश की मनुवादी पार्टियां, इस देश की गांधीवादी पार्टियां हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को हिट करती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर चोट करती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए अधिकारों को इस देश में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उनको वंचित करना चाहती है। समय समय पर गांधी के लोगों ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने नहीं माना। आज देश में मनुवाद की पार्टियों की सरकार है और आप देखते हैं जब संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों की बात होती है, पहला यहाँ आपने देखा होगा जब एससी एसटी एक्ट आपके बीच में पहुंचा तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कोई व्यक्ति यदि जाति सूचक शब्द बोलता है या हमारी माता बहना के खिलाफ यदि उसका अत्याचार शोषण उत्पन्न करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर उसको सीधा जेल भेजा जाए। लेकिन इस मनुवाद की पार्टी, इस देश की मोदी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एससी एसटी एक्ट को मोड़ने की कोशिश करी और उसको मोड़ने का काम भी किया तो उसमें अब उन्होंने कहा कि एफआईआर बाद में जमा होगी, उसकी रिपोर्ट एसपी डीएम एसडीएम देने का काम करेगा, क्योंकि इस देश में उनकी सरकार है, इस देश के वो शासक हैं, जिस भाव को एसपी को कहेगा या मुख्यमंत्री के या उसका मंत्री के उसी बात को अधिकारी को मान्य करती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार के गुलाम होते हैं। इधर भी राजकुमार जी ने अपनी बात को कहा, दबंगता के इस बात को संदेश दिया कि मैं सरकार का गुलाम नहीं हूं, मैं बहुजन समाज के लोगों का गुलाम हूं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि ऐसे शख्स हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन को दिशा देना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, इस देश में केवल एक ही नेता आपके पास है, जिस बात को बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा 24 सितंबर 1944 को, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया है। जिस दिन मेरे समाज के लोग इस वोट को एक दल एक दिशा में डालेंगे उसी दिन मेरे समाज के लोग इस देश में शासक बनेंगे और लिख दो अपनी दीवारों पर कि तुम एक दिन देश के शासक बनेंगे, कभी आप भूल ना जाए। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करीब 4 साल बाद चिंतन मनन के बाद रिसर्च करने के बाद फिर बात को कहा 25 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश की धरती पर अपने वर्किंग कमेटी के लोगों को बुलाकर कहा, मैं जानता हूं कि मेरे समाज के लोग देश में अकेले शासक नहीं बन सकते, मैं जानता हूं कि मेरे समाज के लोग इस देश में शासक नहीं बन सकते, इसलिए आपको अपने बीच में ओबीसी समाज के लोगों को अपने पास लाना होगा, इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ लाकर उनको बताना होगा कि हिंदू व्यवस्था के आधार पर आपको भी चौथे गुण में रखा गया है, आप भी चौथे गुण के सूत्र हैं। वो केवल अंतर इतना है, एक टचेबल है एक अनटचेबल है। एससी एसटी को कहा गया है कि तुम अनटचेबल है, ओबीसी मुस्लिम समाज के अब तुम संघ लोगों को कहा गया है कि तुम टचेबल है, एक सचूत है एक अछूत है,
की परिभाषा देते हुए बाबा साहब ने कहा कि लोगों को ये बताना भी जरूरी होगा कि आपकी दूसरी पार्टियों में आपकी पूछ लंबी तो हो सकती है। अपने समाज के लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा 24/25/1948 को कहा कि मेरे समाज के लोगों की, ओबीसी समाज के लोगों की, इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों की दूसरी पार्टी में पूछ लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संदेश दिया कि यदि ये चौथे वर्ण के लोग इकट्ठे होकर आपस में भाईचारा बनाकर यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने विशेष शासक तैयार किया जा सकता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात जो 1948 में कही, आज वो 2019 में लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। ये सपना इसलिए साकार होता दिखाई दे रहा है, इस देश की ओबीसी पार्टियां हैं, इस देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जब हम कर्नाटक चुनाव से पहले इस देश में हम तीसरे नंबर की लीडरशिप कर रहे थे, कर्नाटक चुनाव के बाद जब वहां की सरकार बनती है तो तमाम इस देश की ओबीसी पार्टियों ने, इस देश की क्षेत्रीय पार्टियों ने माननीय बहन जी को अपना नेता स्वीकार किया है। जब उन्होंने अपना नेता स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर से आज माननीय बहन जी इस देश की सेकंड लीडरशिप दूसरी राजनीति देश की कर रही है। ये हमें आज गर्व है क्योंकि तमाम पार्टियां माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना संबोधन करती हैं, उनका स्वागत करती हैं कि हम माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं क्योंकि आज ये सपना जरूर डॉक्टर साहब अम्बेडकर का जो सपना 48 का वो साकार होता आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस देश में तमाम दलित नेता हैं, जय भीम की बात कहने वाले इस देश में बहुत सारे नेता आपके बीच में हैं। इस देश में 132 सांसद भी हैं और ऐसे भी नेता हैं जो गुलाम अनुवाद के गुलाम हो जाते हैं। पासवान जी ने कहा, वो भी कहते हैं मैं इस देश का दलितों का नेता हूं। माननीय पासवान जी ने कहा, मैं उस घर में दीप जलाने चला हूं जिसमें सदियों से अंधेरा रहा, लेकिन पासवान जी ने अपने घर का चिराग तो जला लिया, बाकी देश के दलित शोषित समाज के लोगों के घर में अंधेरा करने का काम किया क्योंकि वो भी मनुवाद के गुलाम भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाकर वो गिर गया। ये तो हो सकता है जिस बात को बाबा साहब ने कहा कि दूसरी पार्टी में पूछ लंबी तो हो गई, वो मंत्री तो बन गए लेकिन मनुवाद के गुलाम हो गए। इस देश दूसरे हमारे नेता रामदास अठावले जो कहते हैं कि मैं इस जय भीम का असली भक्त हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की असली पार्टी आरपीआई है, कि असली पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, असली जय भीम वालों की पार्टी यदि कहते हैं मैं आरपीआई हूँ। लेकिन वो आदमी भी मनुवाद के चरण में जा गिरा, वो भी सांसद बन गया, मंत्री बन गया। ऐसे लोगों से हमें परहेज करना होगा। एक तीसरा नेता और दिल्ली में घूमता आजकल देखते हैं, उसके एसटी परिसंघ के आज होर्डिंग दिखाई देते हैं, वो भी हमने उसको नेता बनाया। हम लोगों ने उसे 1500 रुपए देकर भाई आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, जैसे तमाम संगठन देश में आज बहुजन समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों ने उसपे भी विश्वास करा। वो कहता था मुझे इस राम से बड़ा प्रेज है, उसका नाम रामराज था। उस व्यक्ति ने भी डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर तमाम भक्तों को बुलाकर अपना नाम चेंज किया, अपना नाम उदित राज रखा और ये घोषणा ये भी करी मैं आज से भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया, मैं बुद्धिस्ट बन गया हूं। लेकिन आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद उसने जस्टिस पार्टी बनाई और जस्टिस पार्टी जब नहीं चल पाई उसने भी अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी इस देश के मनुवाद के चरणों में अपने को अर्पण कर दिया है। तो ऐसे देश में 132 सांसद और भी हैं जो तमाम देश में समय समय पर प्रदेशों में अनेक हमारे समाज के साथ अत्याचार शोषण होता है, ऊना का कांड हो, सांडपुर का कांड हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो,
तमाम 4.5 साल लगातार इस देश में मेरी माता बहनों के साथ उनका उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुए, लेकिन किसी भी एक नेता ने इस देश की संसद में आवाज उठाने का काम नहीं किया। क्योंकि 132 के 32 सांसद वो किसके गुलाम हो गए? मनुवाद के गुलाम हो गए, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए। उनको गांधी के बंदर बना दिया कि यदि तुम्हारे समाज पर अत्याचार शोषण हो रहा है तो अपनी आंखों से नहीं देखोगे। उन्हें कह दिया यदि तुम अपने समाज पर अत्याचार शोषण कानों से यदि किलकारी सुन रहे हो तो आपको कान बंद करना होगा और अपने मुंह पर पट्टी बांधनी होगी। तो गांधी के बंदर बनाकर इस देश के 132 सांसदों को गुलाम रखने का काम किया। अब हमें इस देश में गांधी वाला भी सांसद नहीं जिताना है, इस देश में मनुवाद वाला भी हमें सांसद नहीं जिताना, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वाला ही ये संविधान को चाहने वाला उससे जो बोलेगा प्रेरणा उसी को हमें यहाँ से सांसद बनाना होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ यदि संविधान की आप लोग दिशा देना चाहते हो, इस संविधान की यदि रक्षा करना चाहते हो, इसकी हिफाजत करना चाहते हो तो निश्चित तौर से इसकी रक्षा भी हो सकती है, इसकी दिशा भी दी जा सकती है, इसकी हिफाजत भी हो सकती है। जिस दिन इस देश के संविधान को चलाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति इस देश में बेरोजगार नहीं होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को चलाने वाले आपके बीच में माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो हमारी भी आखिरी इच्छा होगी, आपकी भी आखिरी तमन्ना होगी। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के गरीब के बेटे को शासक बनने का अधिकार दिया, इस देश के दलित के बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार दिया, इस देश के गरीब को सांसद विधायक और पार्षद बनने का अधिकार इस देश के संविधान में अधिकार दिया, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया, इस वोट को आप सही दिशा है एक दल एक दिशा में डाल दो, उसी दिन देश के संविधान की रक्षा भी होगी, इसकी हिफाजत भी होगी, इसको दिशा भी मिलेगी। अम्बेडकरवाद क्या है? केवल ये संविधान ही अम्बेडकरवाद है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैंने आपको इस देश के संविधान में पहला मौलिक अधिकार दिया है। कौन सा मौलिक अधिकार दिया? इस देश में जो बच्चा पैदा होगा, जच्चा बच्चा जो भी, उस पर जो वहन, उस पर जो फंड खर्च होगा, उस पर जो तमाम जो खर्च आएगा इस देश के सरकार की देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, इस देश के सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी है, उसको वहन करने का काम करे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा दूसरा अधिकार देश के मौलिक अधिकार में दिया, इस देश में पहली से लेकर जो बच्चा पहली से लेकर एम टेक बी टेक पी एच डी करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, पीसीएस बनेगा, उस बच्चे तो भी जो भी खर्च होगा सरकार उसको फ्री उसको शिक्षा देने का काम करेगी। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में दिया। तीसरा अधिकार बाबा साहब ने कहा मैं इस देश के मौलिक अधिकार में एक अधिकार और मैं देता हूँ आपको, इस देश में बच्चा जब पढ़ लिख लेगा उस पढ़ने लिखने के बाद सरकार के देश की सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको रोजगार देने का काम करे, उसको नौकरी देने का काम करे। इसके साथ यदि बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है उस बच्चे के लिए छोटा मोटा उद्योग खोलने के लिए, बड़ा उद्योग खोलने के लिए सरकारी देश में इस बच्चे को फ्री ऋण देने का काम करे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में हमें अधिकार दिया है। हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरी माता, हे बहनों, जिस समाज का नेता होता है, जिस समाज का शासक होता है, जिस समाज के दल की सरकार चलती है, उन्हीं समाज के लोग का हमेशा विकास होता है, कल्याण होता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए? लोग कहते हैं माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जाए, माननीय बहन जी पूरे 4.5 साल लगातार इस देश के दलित शोषित समाज के लोगों पर, इस देश के महिलाओं पर जब भी अत्याचार शोषण हुआ
माननीय रंजीत शेर की तरह वधारने का काम हुआ, अपनी बात को इस देश के मोदी की सरकार को ललकारने का काम किया। जब उन्होंने किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान पर जब भी चोट की गई, जब भी उसको हिट किया गया, जब भी मौलिक अधिकार के वंचित करने की बात करी, तो माननीय बहन जी ने अपनी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ की सरकार को अहंकार के साथ ललकारने का काम किया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा माननीय बहन जी को संदेश आपको दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश की धरती से मिलता है। जब आपकी वहां सरकार चली, आपके समाज की सरकार चली, आपकी नेता की सरकार चली, आपके आपके दल की सरकार चली, पूरा प्रदेश बोध में रहा। भगवान बुद्ध के नाम से तमाम विकास हुआ, भगवान बुद्ध के नाम से जिले का नाम रखा गया, भगवान बुद्ध के नाम से 521 एकड़ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बुद्ध विहार बनाने का काम हुआ, भगवान बुद्ध के नाम से विश्व की पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नोएडा में बनाने का काम हुआ, भगवान बुद्ध के नाम से जिले के नाम रखे गए, भगवान बुद्ध के नाम से तमाम कार्य उत्तर प्रदेश की धरती पर हुए। पूरा प्रदेश अम्बेडकर वाद के यहाँ चला, क्योंकि जब वहाँ आपकी सरकार चली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हजारों साल के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर सम्मान देने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया, माननीय बहन जी के द्वारा हजारों साल के लिए इतिहास लिखा गया, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ग्रामीण योजना बनाकर उस प्रदेश के हर एक गांव को जानकारी देने का काम किया कि बाबा साहब वास्तविक मसीहा थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय बनाए गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जिले के नाम रखे गए, तमाम योजना माननीय बहन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की धरती पर दी गई। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप अपील करना चाहता हूँ, जब तमाम हमें अधिकार इस संविधान में हमें मिले हैं, तो देश के एक एक नागरिक, एक मतदाता की जरूरत है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को रक्षा करें। आज मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग सच्ची ईमानदारी निष्ठान के तहत यदि आज संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की कसम खा के जानी होगी। जिस संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबे संघर्ष के साथ हमें जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट की ताकत से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की हम रक्षा कर सकते हैं। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस वोट को लेकर हमें इस देश के संविधान की रक्षा करनी होगी, और हमें माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नंबर वन का नेता बनाना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी बन गई। इस देश में तमाम संगठन चलते हैं, तमाम संगठन इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलते हैं, तमाम भगवान बुद्ध के नाम से चलते हैं, तमाम गुरु रविदास के नाम चलते हैं, तमाम यहाँ पर कबीर दास जी के नाम से चलाए जाते हैं। यदि जिस दिन ये सारे संगठन माननीय बहन जी को अपना नेता मान लेंगे, कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सके है। तो आज मैं अपील करना चाहता हूं, हम सब मिलकर आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी माता बहनों के लिए, अपने समाज के कल्याण विकास के लिए, इस देश को बोध में करना चाहते हो, इस देश को अम्बेडकर वाद तय चलाना चाहते हो, मेरी भी आखिरी इच्छा कहना चाहता हूं, आज जब माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस देश का राष्ट्रपति भी हमारा होगा, इस देश का गवर्नर भी हमारा होगा। जब गवर्नर और राष्ट्रपति हमारा होगा, तो जिस तरह मोदी जी ने 12 बजे से पहले ऐलान करा कि 12 बजे के बाद 1 रुपए से 1,000 का नोट आज के बाद रद्दी समझा जाएगा, तो माननीय बहन जी भी अपनी कैबिनेट बुलाएगी और कहेगी 1 रुपए से लेके 2,000 के नोट से
गांधी को तार फेंको और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान दे दो, तभी ये संविधान सही दिशा लेगा, तभी ये संविधान की हिफाजत होगी, तभी इस संविधान की हम हिफाजत करेंगे। मैं अपनी बात 2 मिनट कहकर कहना चाहता हूं, जो समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की हिफाजत नहीं करेगा तो आपको भी देश में आपको हिफाजत मिलने वाली नहीं, आपको भी हिफाजत होने वाली नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की यदि आपने दिशा नहीं दी तो मेरे समाज के लोगों को भी इस देश में दिशा मिलने वाली नहीं। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की हमने हिफाजत नहीं करी तो आपकी भी देश में हिफाजत होने वाली नहीं। जिस तरह 4.5 साल लगातार मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार शोषण हुआ, उन्होंने इस संविधान को कमजोर किया, फीट किया, आरक्षण का तहत हो, आरक्षण के लिए भी तैयार हो जाएं आप। अभी एक भारतीय जनता पार्टी ने कभी लाने वाले हैं, यदि वो आ जाते हैं, उन्होंने कहा 6 लाख का जो स्लैब इनकम टैक्स का होगा उसके ऊपर वाले को देश में आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, इसके लिए हम तैयार हो जाएं। ये समय हमारे लिए बहुत परेशान करने वाला आ चुका है, नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, इस देश की धरती पर थूकने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे आगे हंडी बांध दी गई है। इस देश पर हमें चलने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि तमाम मनुवाद के लोग जानते हैं, सूद की बात करते हैं, वो जानते हैं यदि दलित यहां से चलेगा तो उसके पीछे भारी झाड़ू बांध दिए कि उसके चिन्ह भी मिटते जाए साथ साथ में। ऐसे भविष्य की हमें कामना नहीं करनी है। हमें बाबा साहब देश का जब संविधान मिला है, हमें इस देश में मनुस्मृति संविधान को लागू नहीं होने देना है, ये भी आज कसम खा के जानी होगी।